परिवार हमारा राजनीतिक है और पिता को देख के ही बच्चे जो हैं वो मोटिवेट होते हैं। आप जनता के बीच में जा रही होंगी प्रचार प्रसार के लिए, तो किस तरीके से वोट मांग रहे हैं? हाँ, जोड़ के, सर झुका के और बहुत ही प्रार्थनीय तरीके से मांग रही हूँ मैं वोट। उनको ये दिलासा देते हुए मांग रही हूँ कि मेरे, मैं माँ हूँ, दो छोटे बच्चे हैं मेरे, और मैं उनसे यही कह के वोट मांग रही हूँ कि जो है मेरे बच्चों की परवरिश में कोई भी ऐसा रुपया खर्च नहीं होगा जो किसी और के हक का हो। तो मैं 10 साल से एक ऐसे घर में हूँ जहाँ राजनीति जो है वो दिनचर्या में है। मेरे ससुर तो शहर के बहुत नामी राजनेताओं में से हैं और सास मेरी गोंदला मऊ की ब्लॉक प्रमुख हैं। चाचा ससुर भी कई तरीके की राजनीतिक गतिविधियों में रहते हैं और मतलब एक एक्टिव पॉलिटिशियन हैं सारे के सारे। मैं ये अपील करना चाहूँगी कि अगर हम एक ही काम बार बार करेंगे तो नतीजे एक जैसे आएंगे। तो जब तक हम लोग कुछ नए पे विश्वास नहीं करेंगे तब तक नए नतीजे नहीं आएंगे और बदलाव नहीं आएगा। नमस्कार, मैं हूँ आशीष शर्मा और आप देख रहे हैं News 9 लाइव टीवी। आज हम यूपी के जनपद सीतापुर में मौजूद हैं और हमारे साथ बातचीत करने के लिए सीतापुर नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष पद की भाजपा प्रत्याशी नेहा अवस्थी जी मौजूद हैं। आज हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि निकाय चुनाव को लेकर के उनकी क्या तैयारियां चल रही हैं। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे News 9 लाइव टीवी पर। धन्यवाद। अब हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप क्या सोच करके राजनीति में आई, वो अलग बात है कि आपके परिवार के कई लोग राजनीति से जुड़े हुए हैं। परिवार हमारा राजनीतिक है और पिता को देख के ही बच्चे जो हैं वो मोटिवेट होते हैं, है ना? तो जैसा हम कहते हैं ना कि जैसा हम माहौल होता है बच्चा वही चीज़ें सीख जाता है। तो आज मेरी शादी को 9 से 10 साल होने वाले हैं, 10 साल हो जाएंगे। तो मैं 10 साल से एक ऐसे घर में हूँ जहाँ राजनीति जो है वो दिनचर्या में है, जो ठीक है। तो इसलिए मैं राजनीति में शायद चेहरा बन के अब आई हूँ, लेकिन परिवार में संवाद होते हैं, परिवार में मतलब बहुत सारी ऐसी कार्यक्रम हुआ करते हैं जिसमें हम भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। और मेरे ससुर तो शहर के बहुत नामी राजनेताओं में से हैं और सास मेरी गोंदला मऊ की ब्लॉक प्रमुख हैं। चाचा ससुर भी कई तरीके की राजनीतिक गतिविधियों में रहते हैं और मतलब एक एक्टिव पॉलिटिशियन हैं सारे के सारे। तो इस वजह से आप जो देखते हो वो धीरे धीरे आपके अंदर आ जाता है, मतलब उसके लिए कोई ऐसा नहीं है कि, और मौका था, महिला सीट हुई थी तो जैसे सबने चांस लिया वैसे हम लोगों ने भी लिया। किन मुद्दों के साथ में आप जो है चुनाव की तैयारी कर रहे हैं? देखिए, मुद्दे ही मुद्दे दिख रहे हैं क्योंकि दौरे शुरू हो गए हैं और ऐसा लग रहा था कि अभी तक जो मुद्दे बनाए गए उससे बहुत ज़्यादा मुद्दे सड़कों पे ऐसे ही खुले पड़े हुए हैं, जो मुद्दे ही मुद्दे हैं। तो विकास का मुद्दा है, सौंदर्यकरण का मुद्दा है, दाखिल खारिज का मुद्दा है, बहुत तरीके के मुद्दे हैं। आम जनता से रिलेटेड सबसे बड़ा मुद्दा दाखिल खारिज, हाउस टैक्स, और जो ये बढ़ा है हाउस टैक्स, इन सब चीज़ों के मुद्दे हैं। जो मतलब जो उचित है हम वो करेंगे, जो अनुचित है उससे हम जनता को परेशान नहीं करेंगे। नेहा जी, क्या लगता है कि 2012 से समाजवादी पार्टी इस सीट पे काबिज रही है, तो क्या लगता है इस बार जनता बदलाव करेगी? जनता बदलाव करेगी भाई। जनता को भी तो दिख रहा है ना कुछ, ऐसी बात थोड़ी है, जनता को भी दिख रहा है कुछ। 29 साल हो गए एक ही तरीके का वादा किया जा रहा है, फिर उसे एक ही तरीके के नतीजे आ रहे हैं, फिर 5 साल तक जनता अपने आप को विकलांग जैसा महसूस कर रही है, कुछ कर नहीं पा रही है उसके लिए। तो बदलाव जनता में भी है और जनता के मन मतलब मनोविज्ञान उसमें भी चेंज है, मानसिकता में, और वो बदलाव लाएगी, ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है। आप जनता के बीच में जा रही होंगी प्रचार प्रसार के लिए, तो किस तरीके से वोट मांग रही हैं? हाँ, जोड़ के, सर झुका के और बहुत ही प्रार्थनीय तरीके से मांग रही हूँ मैं वोट। उनको ये दिलासा देते हुए मांग रही हूँ कि मेरे, मैं माँ हूँ, दो छोटे बच्चे हैं मेरे, और मैं उनसे यही कह के वोट मांग रही हूँ कि जो है मेरे बच्चों की परवरिश में कोई भी ऐसा रुपया
खर्च नहीं होगा जो किसी और के हक का होगा, जो मुझ पे आश्रित हैं, जो मुझसे मुझे देख के आशाएं बना रहे हैं, मैं उनके हक को मार के अपने बच्चों की परवरिश नहीं करूंगी। ये नहीं है कि आज मेरा मेरी ज़रूरत है तो मैं बिल्कुल नतमस्तक हूँ और कल मैं मुंह मोड़ के अपना किनारा करूंगी, तो ऐसा नहीं होगा। और बात राजनीति परिवार की है और मेरे परिवार में भी किसी का इस तरीके का स्वभाव नहीं रहा है। 50 साल का मेरे ससुर का सीतापुर में जीवन हो गया और कोई पलट के ये नहीं कह सकता कि मुनिंदर भैया हमका भूल गए, कोई का हम लोग भूले हैं ना है। सीतापुर में जल भराव और टूटी फूटी नालियाँ, गंदगी जैसे तमाम सारी समस्याएं हैं। अभी आज मैं हॉस्पिटल से लालबाग की तरफ जा रहा था तो रास्ते में एक वाटर कूलर लगा हुआ था, कुछ लोग वहाँ पे खड़े हुए थे तो कुछ लोग पानी पीने के लिए गए हुए थे, लेकिन हाँ वही जो भी है तो वहाँ पे हुआ क्या कि उसमें पानी नहीं आ रहा था। तो इन सब चीज़ों को आप कैसे देखती हैं? इन सब चीज़ों को देखना ही देखा ही तो नहीं गया और अब मैं जब देखूंगी तो मैं पानी की टंकी से संतुष्ट नहीं होंगी। गर्मी में हर किसी को जब प्यास लगती है तो उसको ठंडा पानी चाहिए, तो हम लोग वाटर कूलर पे काम करेंगे। तो आप हमारे चैनल के माध्यम से जनता से क्या अपील करना चाहेंगी? मैं ये अपील करना चाहूँगी कि अगर हम एक ही काम बार बार करेंगे तो नतीजे एक जैसे आएंगे। तो जब तक हम लोग कुछ नए पे विश्वास नहीं करेंगे तब तक नए नतीजे नहीं आएंगे और बदलाव नहीं आएगा। तो अगर हम सब एक नई तरीके की ऊर्जा से जुटें और इस बदलाव को लाने में सक्षम हैं हम लोग, ऐसा नहीं है जनता साथ है सब कुछ है, तो हमें इस बदलाव को लाना है ऐसा दृढ़ निश्चय करते हुए हमको आगे बढ़ना है। तो ये थी हमारे साथ बातचीत कर रही थी सीतापुर नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष पद की भाजपा प्रत्याशी नेहा अवस्थी जी, जिन्होंने जनता से अपनी बातें रखी और निकाय चुनाव को लेकर के तमाम बातें साझा की। उनका साफ तौर से ये कहना है कि इस बार अगर सीतापुर की जनता उनको अपना प्यार देती, उनको आशीर्वाद देती है और उन्हें चेयरमैन बनाती है तो सीतापुर की जनता की जो वह समस्याएं जिनसे वह जूझ रही है उन पर उनकी नजर भी रहेगी और उन समस्याओं का समाधान भी करेंगे। खैर देखना होगा, ये तो चुनाव के बाद की बात है। फिलहाल के लिए इनका बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कैमरा पर्सन ललित के साथ में मैं आशीष शर्मा, सीतापुर।